जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शुक्रवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल सप्तमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्वायाजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत, बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। एक कबीर जी हुए हैं, श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ श्रावस्ती नया बना है, पहले उसको क्या कहते थे जिला, वहीं के बनारस में थे शायद, नहीं बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाला, और उन्होंने कुछ बातें कह दिया है। पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, लेकिन कुछ बातें जिसको दोहा कहते हैं या क्या कहते हैं, वो कुछ बातें कह दी, तो वो बड़ा लोगों को पसंद आया है। और कुछ लोग उनका बाकायदा पूजा करते हैं, ऐसा अनुमान है, देखा तो नहीं है पूजा करते हुए किसी को, लेकिन अनुमान ऐसा ही है, क्योंकि हमारे इस भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रेम धाम जो है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा बाएं तरफ, अभी जहाँ हम बैठे हैं जिस हालत में, यहाँ से बाएं तरफ कबीर मंदिर बोल के इसी तरह का एक मकान है, उसको मंदिर कहते हैं कबीर मंदिर, मतलब पूजा हो रहा है कबीर का, तभी तो कबीर मंदिर हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात यहाँ रहते हैं, इसलिए मंदिर है। ये पब्लिक मंदिर नहीं है कि हर रोज लोग सुबह चले आ रहे हैं, मंदिर खुलता है और लोग चले आते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ भगवान रहते हैं इसलिए मंदिर। तो कबीर मंदिर है तो पूजा होती होगी, तभी मंदिर कह रहे हैं उसको। और उसके और थोड़ा आगे करीब 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में कोई बड़ा सा आश्रम है, ऐसा मैंने सुना कबीर पंथियों का, तो वहाँ कबीर पंथी सफ़ेद धोती जैसा पहनते हैं, लोग लपेट के रखते हैं, वहाँ पे उसके सदस्य दिखाई पड़ते हैं आने आते जाते, हमारे घर के सामने से भी आते जाते रहते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उधर टहलने जाते हैं कभी कभी, तो वहाँ भी दिखाई पड़ते हैं वो लोग, तो ऐसा जगह है। तो एक आध्यात्मिक शास्त्रों का जो हम स्वाध्याय करते हैं, भगवद गीता हुआ, भागवत महापुराण हुआ, अन्य पुराण है, महाभारत है, वेद उपनिषद हैं, बहुत सारी बातें हैं, बड़ा विख्यात विश्व विख्यात शास्त्र हैं सनातन धर्म के हमारे, और विलक्षण शास्त्र हैं, और ज्ञान और भक्ति सभी चीज़ों से भरपूर है ये शास्त्र हमारे, और सब प्रामाणिक हैं, ऑथेंटिक हैं, कोई ऐसा काल्पनिक या कहानी वाली बातें इसमें नहीं है, ये भगवान की साक्षात वाणी है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये शास्त्र का मूल्य है, और इसमें जो इसको श्रुति कहते हैं, श्रुति और जो शास्त्रों के प्रति निष्ठा जिसका होता है उसको कहते हैं श्रोतनिष्ठ। तो श्रोतनिष्ठ होना एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी आवश्यक बात है, और जिसको जो श्रोतनिष्ठ नहीं है उसको शास्त्रों का अध्ययन से भी कोई लाभ नहीं होता है और भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। जो श्रोतनिष्ठ है उसको भगवान की प्राप्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जानकार है, समझदार है। परंतु कबीर ने क्या कहा, कबीर ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोई। तो बस इसको सब बहुत लोग रटते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत, एकदम गलत, इसलिए है कि ये शास्त्रों से तुमको विमुख कर रहा है। तो पोथी शास्त्र जो है उसका अध्ययन करने से कोई पंडित नहीं हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता है, केवल ढाई अक्षर प्रेम जो है, प र म का आधा हिस्सा और म, ये ढाई अक्षर होगी, तो प्रेम को पढ़ने से, प्रेम का अनुभव करने से या प्रेम का व्यवहार करने से तुम पंडित हो जाओ, कैसे हो जाओगे। प्रेम किसको कहते हैं संसार में, प्रेम उसको कहते हैं कि पिता पुत्र को प्यार कर रहा है, माँ पुत्र को प्यार कर रहा है, पत्नी को पति प्रेम कर रहा है, या पत्नी अपने पति को प्रेम कर रही है, लड़की है तो अपने पिता को प्रेम कर रही है या अपने माता को प्रेम कर रही है,
इस तरह के यही तो प्रेम है। और प्रेम का क्या है, या कोई मोहल्ले वाले हैं तो आपस में उनका प्रेम का संबंध है, सब एक दूसरे के हितैषी हैं, यही तो प्रेम है। और कोई गरीब अमीर आदमी के सामने कोई गरीब आदमी आया तो अमीर आदमी उसको ठीक से व्यवहार कर रहा है, अच्छी तरह से बोल रहा है, कोई तिरस्कार नहीं कर रहा है, उसका डांट फोड़ नहीं रहा है, और तो यही प्रेम है, प्रेम भाव से बातचीत कर रहा है। तो संसार का प्रेम यही है, और संसार का प्रेम बंधन कारक है। तो कबीर कह रहा है कि जो प्रेम करेगा वही पंडित बनेगा, लेकिन वो बंधन कारक है, उसका पुनर्जन्म निश्चित रूप से होगा। हर एक प्रेम का घटना जहां जहां होता जाएगी, मैं इससे प्रेम कर रहा हूं, मैं उससे प्रेम कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, ये सब बातें जैसे जैसे करता जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार, सौ बार, 200 बार, तो वो सब हर एक बार वो बंधन में अपने को लपेटते जाएंगे। तो कर्म बंधन तुम्हारा मजबूत होता जाएगा, तो उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली है, उससे तुम पंडित क्या बनोगे, उसमें तो तुम बंधक बन जाओगे, तुम बंध जाओगे, तुम्हारी स्वतंत्रता छीन जाएगी। और शास्त्र तुमको मुक्तिदाता बन सकता है, जो भगवत गीता है वही मुक्तिदाता ग्रंथ है। ग्रंथ तो अलग से नहीं है, महाभारत का एक हिस्सा है, लेकिन वो अलग से पुस्तक उसका मन के मिल रहा है, तो ग्रंथ भी कहा जा सकता है। तो भगवत गीता मुक्तिदायक है, क्योंकि भगवान उसमें उपाय बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के माध्यम से उपाय बताए हैं कि तुमको ऐसे ऐसे तुम करोगे तो तुमको मेरी प्राप्ति हो जाएगी, और मेरी प्राप्ति होने का मतलब है कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जैसे हमारी स्थिति, हम जीवन मुक्त हैं, और शास्त्र का क्या महिमा है वो कोई मुझसे पूछे। शास्त्र का यहाँ पे एक है, ये इसमें दिखाएगा कि नहीं, देखते हैं कोशिश करके। ये देखो, ये कैसे दिखाए, ये दिख रहा है, ये क्या है ये दूसरी राधा का चुम्बन का चिन्ह है, लिपस्टिक लगा हुआ होंठों से उसको चुम्बन किए हैं। भागवत महापुराण को चुम्बन नहीं किए हैं, ये तो बाहर दिखाई पड़, ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, भागवत महापुराण साक्षात दिखाई पड़ रहा है फिजिकली स्थूल रूप से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ये चुम्बन है, क्योंकि उनका दर्शन हुआ है यहाँ। शास्त्र का अध्ययन करते करते मेरे स्वामी यहाँ दर्शन देते हैं, जब साधना चल रहा था, उसका तारीख भी उसमें लिखा था, तिथि 7 सितंबर 2005 का ये चुम्बन है, भगवान की प्राप्ति जब हो चुकी थी तब का ये चुम्बन है, क्योंकि ये बार बार पढ़ते हैं, बार बार स्वाध्याय करते हैं, जिसको कबीर मना किया है कि मत पढ़ना उसको, नहीं तो पंडित नहीं बन पाओगे तो मिथ्या एकदम कबीर जो कह रहा है, गुमराह करने वाला और लोगों को भ्रमित करके उनका पतन कराने वाला। कभी इस बात को मत मानना, कभी सनातन धर्म के कोई भी व्यक्ति हो, तो कबीर स्वयं सनातन धर्म के है, और वो क्योंकि कपड़ा बुनने वाला है, गरीब आदमी है, बिल्कुल उसके पास कोई साधन सुविधा कुछ था नहीं, कुछ कोई बुद्धि इस तरह का दिया हुआ था उसके पास जरूर, लेकिन वो वेद उपनिषद के जानते थे कि नहीं जानते थे मुझे नहीं पता, भगवत महापुराण या भगवत गीता की बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कह दिया एक बात कि पंडित पोथी पढ़ी पड़ी। पोथी किसको कहते हैं, पोथी शास्त्र, ये आध्यात्मिक शास्त्र को अधिकतर पोथी कहते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं किताब उसको पोथी उथी नहीं कहा जाता। तो कोई बात कहने से पहले उसकी प्रामाणिकता देखना चाहिए, सावधान होना चाहिए बातें कहने, इसलिए हम हमेशा शास्त्र के साथ बात करते हैं। मैं कभी एक्सटेम्पोर या ऊपर से जब कोई कहना हो तो मैं कह देता हूँ, हाँ भगवान मुझे ये बताए हैं, मैं सिखाए हैं, क्योंकि भगवान मुझे बियॉन्ड शास्त्र भी कुछ बताए हैं, शास्त्र के आगे की बात भी बता चुके हैं बहुत सारी बात, तो वो अलग बात है, वो अनुभव की बात है, भगवान का शिक्षा वाली बात है, वो मैं कह देती हूँ कि इसमें ऐसा है, अन्यथा मैं शास्त्र पर चलती हूँ, क्योंकि शास्त्र ही मार्गदर्शक है,
और शास्त्र उसको दर्शन देते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं जो शास्त्र में उतना ही श्रद्धा रखे जैसे भगवान में श्रद्धा हो। और इसको वाङ्मय विग्रह कहते हैं भगवान का, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। भागवत महापुराण को भगवान का साक्षात स्वरूप कहा गया है, शब्दों का भाग भगवान है। वाङ्मय विग्रह, वाङ्मय मतलब शब्दों वाला, शब्दों से पूरा भरा हुआ है जो है वाङ्मय। वाङ् मतलब वाणी से संबंधित, विग्रह विग्रह मतलब शरीर, स्थूल शरीर। तो ये स्थूल शरीर है, भागवत महापुराण का किताब है, स्थूल शरीर है, तो ये भगवत स्वरूप है। और वेद उपनिषद को कहा गया है अपौरुषेय, मतलब मनुष्य द्वारा रचित नहीं है वेद, पुरुष से अतीत की बात है। अपौरुषेय मतलब भगवान के स्तर की बात है, भगवत स्वरूप है वो भी वेद उपनिषद जितने भी। तो इसीलिए ये पोथी बड़ी बड़ी यज्ञमुआ पंडित गोया ना कोई ऐसा कहना जो है वो व्यर्थ है, निरर्थक है और अपराधमूलक है। उसमें शास्त्रों की तिरस्कार हो रहा है तो भगवान का तिरस्कार हो रहा है, क्योंकि भगवान की वाणी जिसमें है, भागवत महापुराण में भगवान की वाणी है। एकादश स्कंद पूरा उद्धव को संबोधित करके भगवान कहे हैं सब बात, तो भगवान का तिरस्कार हो गया। भगवान का तिरस्कार हो गया तो अपराध हो गया। तो कबीरदास ने अपराध किया भगवान का ऐसा कहकर। और ढाई अखर प्रेम वाली बात जो है, प्रेम जो है संसारिक प्रेम की बात, जितने भी प्रेम की बात होगी वो सब बंधन कारक होंगी, बंधन कारक, बंधन करने वाला, बांधने वाला। तो इसलिए वो तुमको नीचे की तरफ घसीटने वाले, पुनर्जन्म का सुनिश्चित करने वाले। इसी संसार में तुमको बार बार आना पड़ेगा, 84 लक्ष्य जोनी में बार बार घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए शास्त्र के ऊपर किसी प्रकार का कुदृष्टि तुम्हारा नहीं होना चाहिए। अगर तुम ऐसे कह भी दिए मुंह से, अरे वो भागवत महापुराण सब ऐसे ब्राह्मणों का लिखा हुआ है, एक ने कहा हम ऐसा, ये ब्राह्मण लोग अपने बड़ाई करके ये सब लिखे हुए हैं, दूसरे जातियों को छोटा दिखा है। एक ने कहा जो गवर्नर में यहाँ था उत्तर प्रदेश में, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी है, उसने तो वो फिर शेड्यूल कास्ट कमीशन में शायद भारत सरकार में गया हुआ था या क्या हुआ था, उसने तो ये कहा कि इसमें संशोधन करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए कई बातें। जो तुलसीदास के रामचरित मानस में क्या लिखा है ताड़ना पाड़ना के बारे में, स्त्रियों को और निज जातियों को कुछ पिटाई उटाई करने वाली बात, तभी ठीक होते हैं, ऐसा कुछ शायद है कहीं पर। तो कह रहे हैं इसका सब संशोधन करना चाहिए, वो अपने अहंकार में कि हम शेड्यूल कास्ट के हैं तो आज थोड़ा सा बात करने लायक पोजीशन में आ गए हैं, राज्यपाल बन गए हैं या कोई उच्च पदाधिकारी बन गए हैं, तो वो जो बड़ी मर्जी आए कहेंगे अपने समर्थन में। कितने बेशर्मी की बात है, हम तो अपने समर्थन में कोई बात कहने में थोड़ा सा हिचकते हैं, संकोच करते हैं। ये लोग जो है अपना समर्थन में कहने के डिंग मार के कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे जो हम जो कहेंगे वही सही होगा। एक आईपीएस अफसर ने वहां पुलिस अकादमी, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में थे, के चतुर्वेदी, उन्होंने अपने को हरिजन कह दिया उसमें किसी तो उसको उसी बात पे वहां से ट्रांसफर कर दिए या जवाब तलब किए कुछ किए उनके खिलाफ, मायावती जी ने किया। तो हरिजन शब्द को भी वो कह रहे हैं कि हमारा अपमान हो रहा है। हरि मतलब भगवान, भगवान का जन, भगवान का व्यक्ति, भगवान का मनुष्य, ऐसा कहने से भी उसको अपना अपमान समझ रहे हैं। गांधी जी का बनाया हुआ ये शब्द था हरिजन, तो ऐसा कह के गांधी जी सेवा करते थे उन लोगों, तो जिसकी सेवा करते थे वो लोग उस जाति के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इससे हमारा अपमान है, हम हरिजन नहीं है, हम क्या है, हम अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट। क्या असल में क्या हो, चमार हो, पासी हो, क्या हो, ऐसा कहने से हमको बुरा लग जाता है। और सब अपना अपना नाम, कोई रिवाड़ी लाल, कोई फलाना लाल था, जो राम लाल श्याम लाल क्या क्या थे, वो सब अपना नाम, कोई क्या क्या बढ़िया बढ़िया नाम, कौशलेंद्र, गजेंद्र, इस तरह के नाम रख लिए ताकि पता ना चले। तो पोथी पढ़ी बड़ी यज्ञमुआ वाला नियम जो है वो बिल्कुल
बेकार है, इसको कभी भी करना नहीं चाहिए। और कबीर का इसलिए जो महिमा मंडन लोग कर रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये उसका एक प्रमाण है। किसी बात से शास्त्र का अध्ययन करने से कौन रोक सकता है, और क्यों रोको? जो पढ़ा लिखा आदमी है शास्त्र का अध्ययन करेगा, स्वाध्याय का, इसी को तो स्वाध्याय कहते हैं, इसको यज्ञ कहा गया, स्वाध्याय यज्ञ। भगवान स्वयं यही कहीं कहे हैं उस बात को। मैं कभी अभी 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 देखा था, थोड़ा से याद नहीं। जो भी है स्वाध्याय अति आवश्यक वस्तु है, और स्वाध्याय पूरी निष्ठा के साथ श्रद्धा के साथ जब स्नान आदि करके साफ सुथरा होकर के बैठो और उसको पढ़ो, तो शास्त्र का सम्मान करके भगवत गीता आदि ये सब बड़ा पूज्य ग्रंथ है, करो तो तुम्हारा कल्याण, किसी का भी कल्याण हो जाएगा। अगर उसको जीवन में अभ्यास में ले आया, भगवत गीता की जो शिक्षा है भगवान दिए हैं, तो कायाकल्प हो जाएगा, तुम्हारा आत्मकल्याण हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी उसका अभ्यास करने से, कर्मयोग आदि सभी तीनों योग। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।